राइट। तो दोस्तों कैसे आप लोग आशा करते हो दोस्तों आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। तो लिटरली गाइस आज का गेम प्ले भाई लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मजेदार होने जा रही है, क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं गाइस यहां पर इंडियन कार वर्सेस पाकिस्तानी कार वर्सेस यहां पर सुपर कार्स का मेगा जंपिंग चैलेंज। यार भाई ये जंपिंग चैलेंज जैसे कि आप लोगों ने देखा यार कितना ज्यादा खतरनाक है भाई, मतलब स्टेप बाय स्टेप अपने को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा एंड देन गाइस अपने को जंप लेना पड़ेगा। फिलहाल यहां पर आप लोग देख सकते हो इंडियन टीम में से गाइस अपना कौन कौन है। गाइस इंडिया टीम में अपना गाइस नोबिता स्कॉर्पियो इनके साथ, सेकंड है गाइस अपना यहां पर चिंगम सर जो कि मारुति सुजुकी जिम्नी के साथ है, देन यहां पर अपना बॉब है गाइस, यहां पर अपना थार को लेके एंड ऑगी आया है गाइस अपना फॉर्च्यूनर लीजेंडर को लेके, देन गाइस यहां पर पाकिस्तान की तरफ से यार अपना सिंचन लेके आया है गाइस यहां पर किया स्पोर्टेज, देन यहां पर कीको आया है गाइस यहां पर पाकिस्तान का विजय 40 को लेके, देन यहां पर आप लोग देखो भाई पतलू आया है यार कौन सा गाड़ी आउटलैंडर को लेके, देन दोस्तों यहाँ पर अपना जैक आया है भाई लेक्सस को लेके, मोटू आया है गाइस यहाँ पर सुपर कार्स में से फरारी लेके, उसके बाद डोरेमोन आया है गाइस यहाँ पर निसान का जीटीआर लेके, देन यहाँ पर झपलू आया है गाइस यहाँ पर वर्ल्ड फास्टेस्ट कार कॉनिसेक जेस्को, एंड देन भाई यहाँ पर अपना टपलू आया है गाइस टोयोटा सुप्रा MK4 को लेके। फिलहाल गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक बार ट्रैक दिखा देते हैं गाइस, यहाँ पर अपने को स्टेप बाय स्टेप यार नीचे की तरफ जाना पड़ेगा एंड आप लोग देख सकते हो यार बीच में कितना ज्यादा गैप है। तो गाइस इसको क्रॉस करने के बाद अपने को फुल ऑन भाई इधर पे जंप लेना पड़ेगा एंड कभी कभी इधर पे गाइस पानी का लहर भी थोड़ा बहुत आ जाती है, तो अगर ज्यादा पानी का लहर आ जाएगा तो यहाँ पर गाड़ी क्रैश होने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद गाइस इधर से अपने को जंप लेके इधर तक आना पड़ेगा, जो गाड़ी इधर तक आ जाएगा गाइस वो गाड़ी विनर लिस्ट पे आ जाएगा, लेकिन जो गाड़ी नहीं आ पाएगा दोस्तों वो गाड़ी सीधा फेलियर लिस्ट पे चला जाएगा। तो अभी ज्यादा वेट ना करके चले इंडिया के तरफ से भाई इंडियन टीम को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट तो दोस्तों यहाँ पर अभी अपना भाई ऑगी लेके चल रहा है यार टोयोटा का फॉर्च्यूनर लीजेंडर। तो दोस्तों अभी देखेंगे यहाँ पर अपना टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। वैसे यहाँ पर ऑगी ने अच्छा गाड़ी चूज किया यार, टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर भारी भरकम गाड़ी है तो खैर उतना भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी यहाँ पर देखेंगे हम लोग गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो चुका है गाड़ी, लेकिन यार ऑगी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यार ऑगी का गाड़ी यहाँ पर जाके फेलियर लिस्ट पे आ चुका है गाइस आप लोग देख सकते हो। अच्छा खासा जा रहा था लेकिन गाड़ी स्किड करके भाई गिर चुका है। खैर देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी टीम का परफॉर्मेंस। तो दोस्तों अभी यहाँ पर अपना सिंचन लेके चल रहे गाइस पाकिस्तान के तरफ से भाई पाकिस्तानी गाड़ी किया स्पोर्टेज को, तो अभी देखेंगे यहाँ पर किया स्पोर्टेज जैसा गाड़ी का परफॉर्मेंस यार कैसा रहता है। वैसे भाई सिंचन ने अच्छा गाड़ी चूज किया यार, अभी देखते हैं यहाँ पर अपना 5 साल का सिंचन क्या यहाँ पर विनर बन पाएगा। यार मुझे तो लगता है यार अपना सिंचन विनर लिस्ट पे आ जाएगा। वैसे देखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर सिंचन का गाड़ी का परफॉर्मेंस वैसे कैसा रहता है। अभी तक गाड़ी नो डाउट यार अच्छा खासा स्पीड पे जा रहा था, लेकिन यार बीच में गाड़ी यहाँ पर क्रैश हो गया एंड भाई सिंचन का गाड़ी फेलियर लिस्ट पे आ गया। चलो यार देखते हैं यहाँ पर मोटू का गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। वैसे मोटू का भाई देखो गाड़ी का कलर एंड ट्रैक का कलर सेम दिख रही है यार, एंड इधर पे यार गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश में है, लेकिन यार मोटू यहाँ पर कंट्रोल भी करने की कोशिश में है। बाकी यार यहाँ पर भाई मोटू का गाड़ी भी यार क्रैश हो चुका है। अभी तक यार इंडिया पाकिस्तान एंड सुपर कार्स का भाई 0 पॉइंट है। खैर देखते हैं नेक्स्ट इंडियन गाड़ी का परफॉर्मेंस। दोस्तों अभी अपना ऑगी एंड द कॉकरोच इसके तरफ से भाई इंडिया के तरफ से लेके चल रहे अपना बॉब भाई महिंद्रा थार। यार अच्छा गाड़ी चूज कर लिया यार अपना महिंद्रा थार को लेके अपने बॉब ने। वैसे गाइस देखेंगे अभी अपना हार यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। वैसे अच्छा गाड़ी है यार, अच्छा परफॉर्मेंस करना भी चाहिए। बाकी यार अभी देखेंगे यहाँ पर गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। वैसे यार अपने को ना एकदम सही तरीके से जाना पड़ेगा, अगर बॉब सही तरीके से नहीं जाएगा यार बॉब का गाड़ी भी यार फेलियर लिस्ट पे आ जाएगा। तो बॉब यहाँ पर भाई कंट्रोल करने की कोशिश पे तो है, लेकिन यार उसका गाड़ी यहाँ पर घूम रही है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गंदा सीन हो रही है भाई बॉब के गाड़ी के साथ, एंड फिर भी यार बॉब का गाड़ी फेलियर लिस्ट पे आ चुका है आप लोग देख सकते हो। लेते भाई नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। तो दोस्तों अभी अपना कीको अपना स्मार्ट बंदा लेके चल रहा है भाई यहाँ पर पाकिस्तान का GPR विजय 40। तो देखते भाई कीको का BJ 40 यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस कर पाता है। वैसे अच्छा परफॉर्मेंस करना तो चाहिए यार, बाकी अभी तक इंडिया का 0 पॉइंट है।
पाकिस्तान का भी जीरो पॉइंट है दोस्तों। एंड यहाँ पर सुपर कार्स में से भी यार जीरो पॉइंट है। एंड अभी तक यार गाड़ी का परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छा जा रही है अभी तक। बस यहाँ पर कीको का गाड़ी भी यार अच्छा जा रही है यार, लेकिन क्या कीको का गाड़ी विनर बन पाएगा यार? मुझे नहीं लगता यार। ओ मुझे लगता है, यस मुझे लगता है कीको का गाड़ी विनर बन पाएगा। मुझे लगता है यार कीको का गाड़ी विनर बन पाएगा। यहाँ पर पानी का लहर यार ज्यादा आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी यार कीको का गाड़ी में स्पीड बूस्टर था, तो यार पानी को लहर को चीरते हुए आप लोगों ने देखा यार गाड़ी क्रॉस कर लिया एंड फिनलिस्ट पे आ गया दोस्तों। खैर यहाँ पर अभी जाके कीको का वन पॉइंट हो गया दोस्तों। अभी सुपर कार्स में से अपना डोरेमोन लेके चल रहे हैं यार यहाँ पर अपना स्पोर्ट्स कार निंजा बोल रहा हूँ भाई, निसान GT-R। भाई क्या ही गाड़ी चूज कर लिया यार अपना डोरेमोन ने, मुझे लगा नहीं था यार डोरेमोन निसान GT-R जैसा गाड़ी को चूज करेगा। खैर अभी चूज कर लिया सो कर लिया यार यहाँ पर, लेकिन यार उसका गाड़ी यार नीचे से लड़ गया एंड भाई उसका गाड़ी मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया यार। सो ये गाड़ी भी भाई फेलियर लिस्ट पे आ चुका है दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों अभी यहाँ पर इंडिया में से भाई अपना चिंगम सर लेके चल रहा है भाई इंडिया का मारुति सुजुकी जिम्नी। तो दोस्तों अभी देखेंगे यहाँ पर मारुति सुजुकी जिम्नी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है दोस्तों। फुल ऑन यहाँ पर मारुति सुजुकी जिम्नी भी स्टार्ट तो वैसे हो चुका है, आप लोग देख सकते हो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लेकिन यार चिंगम सर यार कोशिश तो कर रही है ताकि गाड़ी यहाँ पर डिसबैलेंस ना हो, लेकिन यार गाड़ी डिसबैलेंस हो चुका है। सो और कुछ नहीं किया जा सकता गाइज, ये वाला गाड़ी भी फेलियर लिस्ट पे आ चुका है दोस्तों। इसी के साथ गाइज इंडिया का एक भी पॉइंट अभी तक नहीं हुआ दोस्तों। अभी पाकिस्तान के तरफ से यार अपना पतलू लेके चल रहे गाइस पाकिस्तानी जंपिंग किंग कार, जो कि उसके पास है भाई आउटलैंडर। तो गाइस अभी देखेंगे यहाँ पर अपना पतलू आउटलैंडर को लेके कैसा क्या परफॉर्मेंस कर पाता है। वैसे अच्छा तो यार करना तो चाहिए, बाकी यहाँ पर आउटलैंडर भी यार स्टार्ट तो वैसे हो ही चुका है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से गाड़ी तो जा रही है, लेकिन ये गाड़ी भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गया यार। एंड भाई पाकिस्तान का ये गाड़ी भी यार फेलियर लिस्ट पे आ गया भाई, देखते देखते ट्रैक भाई कितना ज्यादा इम्पॉसिबल हो गया, आप लोग भी देख सकते हो। खैर यार क्या किया जाए, लेते हैं नेक्स्ट सुपर कार। गाइस अभी अपना झपलू लेके चल रहा है यार यहाँ पर वर्ल्ड फास्टेस्ट कार यार कॉनिसेक जेस को। तो गाइस अभी देखेंगे यार कॉनिसेक जेस्को का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। आई होप सो अच्छा तो रहना चाहिए, बाकी यार अभी झपलू के ऊपर ही डिपेंड करता है कि झपलू का गाड़ी यहाँ पर कैसा क्या परफॉर्म कर पाएगा यार। अभी तक झपलू का गाड़ी सही परफॉर्मेंस कर रही है नो डाउट यार, लेकिन मुझे जितना तक लगता है अभी भाई गाड़ी उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एंड इसी के साथ सुपर कार का भी अभी तक जीरो पॉइंट है। खैर गाइस क्या किया जाए, चलो लेते अपना यहाँ पर लास्ट इंडियन कार। गाइस इंडिया में से अभी अपना नोबिता लेके चल रहा है लास्ट गाड़ी, जो कि इंडिया का महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है। एंड अभी देखना पड़ेगा यार महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का परफॉर्मेंस वैसे कैसा रहता है भाई, अच्छा तो रहना चाहिए यार, नहीं तो दिल से बुरा लगेगा दोस्तों यार, क्योंकि अभी तक इंडिया का एक भी पॉइंट नहीं हुआ, अगर एक पॉइंट भी हो जाएगा मजा आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अपना स्कॉर्पियो एन स्टार्ट तो वैसे हो चुका है नो डाउट यार, बहुत ही सुंदर तरीके से अपना गाड़ी जा रही है अभी तक गाड़ी यार बहुत ही सुंदर जा रही है नो डाउट यार, लिटरली गाड़ी लिटरली बहुत ही सुंदर जा रही है भाई साहब। ओफ 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 गाड़ी गया एंड भाई इसी के साथ भाई इंडिया का जीरो पॉइंट हो गया यार। खेल लेते हैं यहाँ पर अपना लास्ट भाई साहब पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट दोस्तों अभी पाकिस्तान के तरफ से भाई अपना जैक लेके चल रहे हैं भाई पाकिस्तान का लास्ट गाड़ी, जो कि उसके पास है यार आप लोग देख सकते हो लेक्सस 570। तो गाइज अभी देखेंगे यार लेक्सस 570 का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है, आई होप सो अच्छा तो वैसे रहना चाहिए, बाकी यार मेरे को पता नहीं है यार जैक गाड़ी कैसे चलाएगा। वैसे अभी तक पाकिस्तान का एक ही पॉइंट हुआ है यार, बाकी यार अभी तक कोई भी कंट्री का एक भी पॉइंट नहीं हुआ, मींस भाई यार पाकिस्तान का गाड़ी अच्छा खेल गया यार। एंड देखो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ सो गाड़ी भी यहाँ पर यार क्रैश हो गया। सो गाइस ये गाड़ी भी यार फेलियर लिस्ट पे आ चुका है, लेते अपना लास्ट सुपर कार। ऑलराइट तो दोस्तों सुपर कार्स में से अभी अपना टपलू लेके चल रहा है भाई लास्ट गाड़ी, जो कि उसके पास है टोयोटा सुप्रा MK4। तो भाई लोग अभी देखेंगे यहाँ पर सुप्रा MK4 का पावर। सॉरी रेडी बॉयज, मैं तो रेडी हूँ भाई लोग, बाकी यहाँ पर देखते हैं यार
सुप्रा MK4 का परफॉर्मेंस अभी क्या देखूं मैं भाई। यहाँ पर गाड़ी सीधा क्रैश हो गया, जैसे कि आप लोगों ने देखा था यार, यहाँ पर बस पाकिस्तान का एक पॉइंट हुआ। सो भाई पाकिस्तान मैच के अंदर जीत जाता है। सो गाइस यहाँ पर हारना जीतना लगे रहता है यार, दिल पे कोई भी मत लेना बॉयज, ये सिर्फ एक गेम है भाई लोग, रियल लाइफ से कोई भी कंपेयर मत करना। सो गाइस आज के लिए वीडियो से भी नहीं था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो पे। सो टाटा एंड यार बाय बाय बॉयज।